नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आपके पास भी है कोई कमोडिटी से जुड़ा कोई सवाल, कोई ट्रेड आपने किया है या फिर करना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0222300 1634। एक और नंबर नोट कर लीजिए, 0222300 1635 पर आप अपने सवाल पूछिए। और जो दो खास एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और जिनसे हम बातचीत करेंगे शो के दौरान, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ है आज केडिया कमोडिटी के अजय केडिया और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं। अजय जी और जतिन जी, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। शुरुआत आज के शो की गोल्ड सिल्वर से ही कर लेते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर पर हमने सोने चांदी पर एक दबाव का माहौल देखा है। MCX पर हमने देखा सोना 150 रुपए टूटा है, 52,000 के करीब है, और चांदी पर भी अगर देखें तो वो उस पर भी दबाव है, करीब 200 रुपए नीचे कारोबार होता हुआ हमें दिख रहा है। 57,700 के नीचे चांदी में कारोबार होता हुआ हमें अभी नजर आ रहा है। तो सोना चांदी दोनों में एक दबाव हमें नजर आ रहा है इस वक्त ऊपरी स्तरों से। अजय जी, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे, क्या लेवल्स आने वाले समय में आप देखते हैं? नमस्कार। डेफिनेटली देखें तो पिछले हफ्ते में फेड की अपडेट के बाद हमने देखा प्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी आई, लगभग इंटरनेशनल में $100 की तेजी बनती हुई देखी। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी लगभग हमने अच्छी खासी तेजी बनती हुई, इस वक्त भी 52-100 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट नो डाउट आज मॉर्निंग से ही मार्केट काफी सुस्त है, क्योंकि शाम को नॉन फार्म पेरोल का इंपॉर्टेंट डेटा आना है। तो मुझे लगता है प्राइसेस में एक थोड़ा पुलबैक देखने मिल सकता है, जो 51,800-850 तक का पुलबैक मिले उस पुलबैक पे लेके चलना चाहिए, जो 52,250 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी में भी एक शानदार रिकवरी आई है, इस वक्त भी इंटरनेशनल में $20 के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है। बट मुझे लगता है अगेन डॉलर इंडेक्स में दबाव जरूर रहेगा, बट नॉन फार्म पेरोल से पहले मार्केट एक रेंज में है, हो सकता है नीचे में 57,400 तक का एक पुलबैक मिले, उस पुलबैक पे लेके चलिए, 58,400 तक का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल सोने चांदी में मुझे लगता है तेजी का ही रुख है, एक पुलबैक का वेट करना चाहिए, उस पुलबैक पे ही लेके काम कीजिए। ओके, तो सोने चांदी में तेजी का रुख, अजय जी अपना व्यू दे रहे हैं। जतिन जी, शाम के सत्र के लिए और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी रखने की सलाह आपकी तरफ से होगी सोने चांदी में? जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर की मोमेंटम रही है हाल ही में, अगर जो हम ट्रेंड देख लें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर पॉजिटिव बायस जो है वो ज्यादा हावी हुआ है बैग्स के ऊपर। तो मुझे लग रहा है साइडवेज मार्केट जो अभी फिलहाल पिछले एक दो दिनों से है, इनफैक्ट सिर्फ एक दो सेशन से हम देख रहे हैं एक बढ़त के बाद, ये एक बेस बना रहा है हायर लेवल्स पे, जो एक अच्छी बात रहती है। एक अच्छी रैली के बाद अगर एक बेस बनाना शुरू करता है कोई भी एसेट, तो उसके बाद मुझे लग रहा है तेजी का जो रुझान है वो और फेवरेबल रहता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक रेंज बाउंड कारोबार है, लेकिन प्रीवियस रैली जो एक पॉजिटिव रैली रही है। तो यहाँ पर लेवल स्पेसिफिक में बात कर लूँ तो ट्रेडर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो करीब करीब 57,700 से लेके 57,500 के बाइंग जोन के लिए हिसाब से फेवरेबल है। 57,000 के नीचे SL रहेगा स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और हायर लेवल से मुझे लग रहा है 58,900 से लेके 59,000 के लेवल्स जो है वो आने वाले दिनों में जरूर देखने मिल सकते हैं चांदी के अंदर। जिस तरह से कॉमेक्स के अंदर भी 20 का जो एक बेस बनाना शुरू कर दिया चांदी ने, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक 59,000 से लेके 59,500 के लेवल्स जो है आने वाले दिनों में जरूर छूने जा सकता है सिल्वर जो है वो। गोल्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो 52 के ऊपर एक अच्छी खासी मेंटेन्ड रैली है, तो जब तक 51,700 के ऊपर प्राइजेस होल्ड कर रहे हैं तब तक गोल्ड के प्राइसेस मेरे लिए पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे मेरे हिसाब से। हायर लेवल्स पे 52,500 से लेके 52,600 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ रह सकता है आगे चलते हुए, तो ये बैरियर जो है पहले छूने जा सकता है कोई भी करेक्शन के पहले, तो यहाँ पर भी बाइंग का ही रुझान रखना चाहिए गोल्ड के अंदर। सो दोनों की कमोडिटी, दोनों ही कमोडिटी में बुलियंस के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी मेरी, स्पेसिफिकली डे ट्रेडर्स के लिए भी और स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से भी बाइंग की सलाह रहेगी गोल्ड और सिल्वर के। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर में बाइंग की सलाह आ रही है जतिन त्रिवेदी जी की भी तरफ से। ये तो गोल्ड सिल्वर की बात हुई, अब जरा क्रूड का रुख कर लेते हैं, यहां पर क्या मूवमेंट चल रही है जरा समझते हैं। कच्चे तेल में हमने देखा जो गिरावट है वो जारी है,
साल के ऊपरी स्तर से 32% नीचे हमने देखा है। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $95 के नीचे लुढ़का है। यहाँ पर साल के ऊपरी स्तर से 32% जो है वो भाव लुढ़के, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो एक्सपर्ट से चलिए राय ले लेते हैं क्रूड पर भी। अजय जी, यहाँ पर समझना आपसे जरूरी है कि और क्रूड के दाम गिरने की आशंका है? बिल्कुल, अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट में नो डाउट ये हफ्ते में ही हमने 10% की बड़ी गिरावट देखी है, जिस दिन से सप्लाई कहीं ना कहीं अब इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि टेम्पररी एक टेक्निकल पुलबैक जरूर मिल सकता है मार्केट के अंदर, बट सप्लाई कंटिन्यू आगे जाके बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमने लीबिया का प्रोडक्शन 1.2 मिलियन बैरल के करीब बढ़ते हुए देखे, साथ में जितनी भी अदर कंट्रीज है ये भी प्रोडक्शन बढ़ाने में, एक बैठक होनी है ईरान के सैंक्शंस को लेकर, अगर वो भी कूल ऑफ होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सप्लाई और बढ़ेगी। साथ में यूएस ने भी अपनी स्टॉक रिजर्व से काफी स्टॉक्स मार्केट में निकाले हैं, जिसकी वजह से दबाव है, तो टेक्निकल थोड़ा बहुत पुलबैक मिल जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है 6700 तक का लेवल एमसीएक्स में और 90 का लेवल ब्रेंट हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे। थोड़े पुलबैक के वेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कच्चा तेल अगला हफ्ता भी गिरावट भरा ही रहेगा। ओके, तो कच्चा तेल में गिरावट के और आसार नजर आ रहे हैं। अजय जी अपनी राय देते हुए क्रूड पर। एक कॉलर से बात करते हैं, राजस्थान से रितेश हमारे साथ है, स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो, नमस्ते, बताइए पूछे सवाल। एनजी पर राय चाहता हूँ, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए इंट्राडे के पर्पस से? ओके, नेचुरल गैस पर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से राय जानना चाह रहे हैं जतिन जी। नेचुरल गैस का काउंटर देखें तो वॉलेटाइल काउंटर है और यहाँ पर नेगेटिव का ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा आगे चलते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इवनिंग सेशन के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो प्राइसेस जो है वो 620 से 625 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो लेते हुए देखने मिल सकते हैं, जो कल के लेवल्स भी यहाँ पे होल्ड कर रहे थे। तो इवनिंग सेशन के हिसाब से, डे ट्रेडिंग के हिसाब से 645 से लेकर 650 के टारगेट्स के हिसाब से बाय करने की सलाह दूंगा मैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है 627 का और हायर साइड में 650 के पहले प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। ये इंट्राडे व्यू रहेगा नेचुरल गैस के ऊपर। ओके, तो राय हुई नेचुरल गैस पर। एक और कॉलर से बात करते हैं, नागपुर से सुनील जी हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्ते मैडम, मैं सुनील नागपुर से बात कर रहा हूँ। मैडम गोल्ड मिनी सेप्टेम्बर लॉट है जो मैंने मैडम 59,940 से बाय किया हूँ 2 लॉट आज, मुझे क्या करना चाहिए? ओके, गोल्ड पर व्यू चाहिए इन्हें अजय जी, इनके पास है कुछ लॉट? डेफिनेटली गोल्ड में देखिए, जिस ढंग से हमने रैली एक हफ्ते में देखी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, बट आज के लिए नॉन फार्म पेरोल का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है शाम के सेशन तक एक थोड़ा पुलबैक में देखने मिल सकता है, जो 51,800 तक का लेवल मुझे लगता है गोल्ड में दिखा सकता है, वहां से मार्केट में वापस अपसाइड मिलेगा जो 52,250 का इमीडिएट टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, हितेन गुजरात से इस वक्त हमारे साथ, एक और कॉलर है, उनसे भी सवाल पूछते हैं उनका। हितेन जी बहुत स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हेलो जी, बताइए, स्वागत करते हैं सर, क्या सवाल है आपका? अरे मैंने क्रूड ऑयल सेल किया हुआ है तो सर कितने तक नीचे जाएगा मैडम? ओके, क्रूड ऑयल सेल किया हुआ है, कितना तक नीचे जाएगा? अभी वैसे इस पे चर्चा हुई थी, पर जतिन जी क्या राय देंगे इन्हें? 71.10 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करनी चाहिए पोजीशन, शॉर्ट साइड की अगर पोजीशन ली है तो, क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो 71.10 के ऊपर आ सकता है। 71.10 के ऊपर जैसे ही प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करेंगे नॉन स्टॉप रैली टुवर्ड्स 71.70-72.00 तक जा सकता है, तो रिस्क जो है बढ़ जाएगा। तो मेरा ये उनको एडवाइस है कि 71.10 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन खड़े रखें। लोअर लेवल्स पे 69.40 से लेके 69.60 आज का सपोर्ट जोन है, तो उसके पहले जो 69.60 के पहले अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप कर लेनी है इंट्राडे के हिसाब से। ओके, एक और सवाल लेते हैं हिसार से, अरविंद हमारे साथ है, अरविंद जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? अरविंद बोल रहा हूँ मैडम जी, पूछिए। मैडम ये मैंने गोल्ड सेल किए हुए हैं 51,800 पे 2 लॉट। ओके
गोल्ड सेल किया हुआ है 51,800 का लेवल, बताइए अजय जी सोने पर सवाल है इनका। बिल्कुल, सोने में मुझे लगता है कि तेजी का ही रुख रहेगा, बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए क्योंकि नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा है ये ऑलरेडी क्रिएट करेगा। मे बी पॉसिबल है कि अगर नीचे में 800 850 का एक स्पाइक दे सकता है वहां पे इनको निकल जाना चाहिए। ओवरऑल मुझे नहीं लगता है मार्केट में कोई मंदी है, जिस ढंग से डॉलर में कंटिन्यू गिरावट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, जो प्राइजेस को 52,250 या अगले हफ्ते 52,500 का भी लेवल दिखा दे तो बेटर है थोड़ा भी पुलबैक मिले डेटा के टाइम पे वो टाइम पे निकल जाना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो गोल्ड पर राय हुई। एक और कॉलर से बात करते हैं, बीकानेर से प्रमोद जी हमारे साथ है। प्रमोद जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा कहने से सवाल है कि ग्वार सीड पर अब क्या करना चाहिए, काफी टूट चुका है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ग्वार सीड क्या खरीदारी के मौके हैं अजय जी? देखिए भाव देखकर सबको अच्छा लगता है कि ये भाव में लेके रखना चाहिए, कोई खोटा नहीं है, बट हमने जैसे पहले भी कहा था कि 5400 का इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, अनलेस एंड अंटिल 5400 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। बट हाँ, एक चीज ये हफ्ते में देखी गई है कि 4800 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं कच्चे तेल में जो दबाव है वो यूएस के प्रोडक्शन को बढ़ने की वजह से भी आ रहा है। तो आई थिंक एक रिस्क रहेगा थोड़ा बहुत, बट आई थिंक 48-48.50 पे प्राइजेस कंसोलिडेट कर रहा है, 46-50 के स्टॉप लॉस से एक बाइंग बनाई जा सकती है, रिकवरी रहेगी, बट कंफर्मेटिव हमें जो मिलना है रैली वो 5400 के ऊपर रहेगा। बेटर एक बार बनाइए पोजीशन, 50,000 से लेकर 5100 के टारगेट के लिए बनाया जा सकता है, यहाँ पर रिस्क मिनिमल है। ओके, ग्वार सीड पर आपको राय मिल गई। जयपुर से शुभम जी से भी बात कर लेते हैं, और शुभम जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम कॉपर से राय चाहिए, 654 में बाय किया हुआ है कॉपर पर। जी मैम। ओके, कॉपर पर राय चाहिए ने जतिन जी, क्या करें? कॉपर जो है पॉजिटिव है, सभी बेस मेटल्स के अंदर एक बाइंग का जो रुझान है वो कंटिन्यू देखने मिल रहा है। सिलेक्टिव बेस मेटल्स जो है वो रोज रैली दे रही हैं। कल के सत्र में हमने देखा था जिंक के अंदर 4% की रैली देखने मिली थी, आज कॉपर और एल्यूमिनियम लीड कर रहे हैं पैक को। कॉपर के अंदर 1.5% की रैली है अभी, तो अगर पोजीशन नहीं है तो क्रिएट करनी है तो बाइंग के साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। हायर साइड मुझे लग रहा है 660 से लेकर 665 के जोन जो है वो आने वाले दिनों में, इनफैक्ट इंट्राडे में जो इवनिंग सेशन में जो मोमेंटम पिकअप होगा उसमें भी आ सकते हैं। तो बाइंग का रुझान रखें, जब तक प्राइसेस 650 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक पॉजिटिव है कॉपर मेरे लिए। ओके, तो ये तो कॉपर पर आए हुए। अजय जी मेटल पर आपका क्या व्यू होगा और मेटल स्पेस में कोई खास पिक आपकी तरफ से? ठीक है, मेटल में हमने देखा है कि पिछले महीनों की जो गिरावट थी उसके बाद मुझे लगता है जो सप्लाई कंसर्न की वजह से कॉपर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, कॉपर में लेके चल सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट तो 654 और वो तोड़ता ऑलरेडी भाव निकल चुका है, तो मुझे लगता है 660 की टारगेट ले सकते हैं। वहीं जिंक ने भी काफी आउट परफॉर्मिंग जब दिखाया है तो 312 के लिए जिंक भी ले सकते हैं। एंड लास्ट एल्यूमिनियम, बिकॉज जिस दिन से एनर्जी क्राइसिस चाइना में तो बन ही रहा है बट अब यूरोप में नेचुरल गैस के शॉर्टेजेस की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है ये कहीं ना कहीं जिंक और एल्यूमिनियम को भी सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम में बाय साइड बने रहना चाहिए, अच्छे गेंस आज और अगले हफ्ते भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ओके, अब एक और कॉलर से बात करें, राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ है, स्वागत करते हैं सर, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? जी वेद बात कर रहा हूँ, गुड इवनिंग साथी मैम। मेरा सवाल ग्वार से है, ग्वार की फसलें जो वैसे तो नष्ट हो चुकी है और भाव भी इसके नष्ट हो रहे हैं, तो कितना और नीचे जाएगा ग्वार? ग्वार पे वैसे थोड़ी ही देर पहले चर्चा हुई है लेकिन फिर भी हम आपके लिए पूछ लेते हैं अजय जी से, और कितना नीचे जाएगा ग्वार? देखिए जैसे मैंने अभी कहा था मार्केट कहीं ना कहीं 4800 के आसपास का एक कंसोलिडेशन ले रहा है, मुझे लगता है 12-15 अगस्त के बाद थोड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमांड एज ऑफ नाउ पिक नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अभी भी एक पैसिमिस्टिक वे में ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक 4680-4700 एक अच्छा खासा बेस रहेगा, अगले हफ्ते एक अच्छी रिकवरी रहेगी बट 5100 तक का लेवल टाइपिंग दिख रहा है। तो मुझे लगता है छोटी अवधि के लिए बाय कर सकते हैं, बड़ी तेजी 5400 के ऊपर मिलेगी वो भी 15-16 अगस्त के बाद, जैसे क्रॉप का और मानसून की क्लियरिटी और अच्छे से मिल जाएगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है 5100 तक का लेवल अगले हफ्ते देखने मिल जाना चाहिए।
5100 का लेवल अगले हफ्ते तक ग्वार सीड में देखने की संभावना बता रहे हैं अजय जी। चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं, राम इस वक्त हमारे साथ है, बताइए राम क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा सोयाबीन पे क्वेश्चन है, सोयाबीन में आगे जाके मॉनसून अगर ठीक नहीं रहता तो सोयाबीन में क्या हो सकता है? ओके, सोयाबीन पर सवाल है इनका अजय जी। देखिए सोयाबीन में मुझे लगता है पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अब गिरावट का रुख रहेगा आगे। पहला चीज है, जिस ढंग से हमने कच्चे तेल में बड़ी गिरावट देखी पाम ऑयल पे, उसी का इंपैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है। पाम ऑयल की गिरावट के चलते रिफाइन मस्टर्ड सभी पे दबाव बन रहा है। सोयाबीन की क्रॉप साइज भी अच्छी है और नो डाउट कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट जरूर आ रही थी, बट उतना खास फर्क सोयाबीन को नहीं पड़ता। तो आई थिंक मार्केट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा उछाल रहेगा नहीं। मे बी पॉसिबल है कि 6400-6500 का रेंज एक बार दिखा दे अराइवल से पहले तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे लगता है कि प्राइजेस जल्द अगले 2 महीने के अंदर 6000 का लेवल तोड़ सकता है, बिकॉज क्रॉप साइज भी अच्छी है और जो हवा बनी हुई थी पाम ऑयल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, अब वो कूल ऑफ हो रही पूरे एडिबल में। तो मुझे लगता है बेटर है सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी सोयाबीन में रखने की सलाह आ रही है अजय जी की तरफ से। राजेश जी इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर, राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल है अपना कैस्टर सीड में और जीरा में क्या करना चाहिए? कैस्टर सीड और जीरा से जुड़ा हुआ सवाल, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए अजय जी? देखिए सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो नो डाउट सोइंग थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हुई है, पिछले साल का प्रोडक्शन लगभग इन लाइन था जिसकी वजह से शॉर्टेजेस क्रिएट हुई और भाव में तेजी आई, बट पिछले 2-3 महीनों में एक्सपोर्ट की डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 7100 के नीचे नहीं जाएगा, 7350 के ऊपर नहीं जाएगा, तो टाइमिंग लेके चला जा सकता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बड़ा जंप मत देखिए, टेक्निकली कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। और चाइना इस वक्त जिस ढंग से युद्ध के चलते एक डिमांड डिटोरेशन हो सकता है, तो आई थिंक 72-7300 का एक रेंज रहेगा, बाय कीजिए बट 73 पे बुक करके निकल जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा ट्रेड अगले एक हफ्ते में दिखाई नहीं दे रहा। वहीं जीरे की अगर बात करें लॉन्ग टर्म व्यू काफी मजबूत है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेजेस क्रिएट होनी है आगे, इंडिया की बैलेंस शीट भी टाइट है, बट चाइना रुक रुक के बाय कर रहा है, तो जीरे में हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक जरूर मिल सकता है क्योंकि आगे जाके स्विंग भी बढ़ेगी, बट अगले हफ्ते की बात करें तो 24700 के आसपास का लेवल एक बार दिखा सकता है, बट प्रॉफिट करते हुए चली क्योंकि क्रॉप साइज भी अच्छी रहेगी, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म तेजी है, अभी 24700 के लिए लेके चला जा सकता है। ओके, एक और कॉलर जिनका नाम भी राजेश है उनसे भी बात करते हैं, बताइए राजेश जी आपका क्या सवाल है? क्रूड पर सवाल है, आपकी थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं थी, क्रूड पर जतिन जी क्या स्ट्रेटजी रखने की सलाह देंगे? क्रूड जो है वो ब्रॉडली अगर देखने जाएंगे तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवनिंग सेशन में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 7100 के ऊपर अगर प्राइजेस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइजेस में एक बड़ा बाउंस जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर सेफ साइड के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो मैं 7100 के ऊपर बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 7100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 7100 एक बार लेवल ब्रेक करने दें उसके बाद बाय करें, और स्टॉप लॉस जो बनाना है उसके बाद 7060 का, और हायर साइड मुझे लग रहा है 7160 से लेके 7170 के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, विजय जी से भी बात करते हैं, और कॉलर हमारे साथ है, बताइए सर आपका क्या सवाल है? मैडम मेरा भी क्रूड के ऊपर क्वेश्चन था। हेलो, मैंने किस पर्सपेक्टिव से बताइए? 71 में बाय किया था फ्यूचर मैडम मैंने, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? मुझे रखना चाहिए छोड़ देना चाहिए? क्रूड पर इनकी खरीदारी है अजय जी, क्या करें, रखें या निकल जाएं? देखिए ये देख के मत कीजिए कि 8000 वाला क्रूड आज 7000 का भाव है तो हमें ले लेना चाहिए, बिकॉज आगे डिमांड डिस्टोरेशन अभी भी बनी हुई है, सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेगी। ओपेक ने भी मीट में बताया कि सितंबर से और 1 मिलियन बैरल के आसपास की सप्लाई इन्फ्यूज की जाएगी, तो ओवरऑल मुझे लगता है कच्चे तेल में हाँ फ्राइडे फैक्टर जरूर है तो एक पुल बैक दिखा सकता है, तो 7100 तक का एक जंप मिल जाएगा, वहां पे बेटर है कि आप निकल जाइए क्योंकि ओवरऑल अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि 6800 का लेवल आराम से तोड़ सकता है, बिकॉज सप्लाई कंटिन्यू बढ़ते जा रही है और डिमांड में कंसर्न, चाहे हम चाइना के डिटोरेशन की बात करें या नंबर जो आए हैं वो भी खराब आते हुए दिखाई दिए थे, तो ओवरऑल 7100 का ये पुल बैक रहेगा, इस पुल बैक पर निकलने की कोशिश कीजिए।
ओके, एक और कॉलर से बात करते हैं। सनी इस वक्त हमारे साथ है। सनी जी बताइए, आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो मैम, बताइए सर, सवाल पूछिए। सिल्वर के लिए अगले 15 दिनों में मैम क्या करना चाहिए? 15 दिनों के लिए सिल्वर में व्यू समझना चाह रहे हैं जतिन जी, आपसे सवाल। पॉजिटिव व्यू है स्वाति, जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड जो है पॉजिटिव रुझान जो दिखा रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से, हम देख लें तो प्राइसेस के अंदर हाई फॉर्मेशन है, क्लोजिंग भी अच्छी आ रही है सिल्वर के अंदर पिछले हफ्ते भर से। सो बाइंग साइड के व्यू पॉइंट से लेकर पिछले नेक्स्ट 2 वीक्स के हिसाब से अगर देखने जाए तो टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 60,000 के आसपास का पकड़ के चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा उनके लिए सेफ साइड के लिए वो अराउंड अबाउट 57,000 के हिसाब से मेंटेन करके चलना है, और 60,000 के हिसाब से टारगेट रख के चल सकते हैं सिल्वर के। ओके, सिल्वर पर आए हुई अहमदाबाद से इंद्रजीत जी से भी समझते हैं उनका सवाल। इंद्रजीत जी बताइए, आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मैडम, मैंने 54,655 में 2 लॉट सिल्वर के खरीदा है, तो मैं कहाँ तक रुकूं? ओके, वो पूछ रहा था। 54,602 लॉट सिल्वर का। ओके, बताइए अजय जी क्या राय देंगे इन्हें? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी इन्हें बने रहना चाहिए क्योंकि अच्छे भाव में इनकी बाइंग हुई भी है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट को जो एक कंसर्न्स लेवल्स है वो मुझे लगता है कि 58,500 के आसपास का है, बट ओवरऑल अगला हफ्ता भी मुझे लगता है कि 58,500-58,600 का लेवल अगर तोड़ दे तो 60,000 भी हमें अगले हफ्ते 10 दिन में मिल जाएंगे, बट आई थिंक 58,500 पे एक बार रिव्यू करना चाहिए, 58,500 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ओके, इनफैक्ट जरा कॉटन काउंटर की तरफ भी अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करें तो बहुत उठा पटक यहां पर हमें देखने को मिल रही है। एक महीने की ऊंचाई से कॉटन फिसला है। एमसीएक्स पर हमने देखा अगस्त वायदा 47,000 के नीचे आ गया है। अभी इतनी उठा पटक है यहां पर कॉटन में खासतौर पर। अजय जी क्या आगे रुख देखते हैं आप कॉटन में, और क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? देखिए नो डाउट इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड बिकॉज वी वेर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 45,000-46,000 तक का लेवल मैक्सिमम जा सकता है, बट जिस ढंग से हमने नॉर्थ में डैमेजेस और साउथ में भी डैमेजेस देखा है वो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर गया, और जो 49,500 या कुछ हम बोल सकते हैं जो शॉर्ट पोजिशन बनी थी वो शॉर्ट कवरिंग होने की वजह से एक अच्छा खासा रैली बनाया, बट नहीं बोलना चाहिए क्रॉप साइज इस बार थोड़ा स्विंग अच्छी है, और सितंबर मिड से ही हम देखेंगे कि अराइवल स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके चलते मुझे लगता है कि अगला टाइम थोड़ा सा वीकनेस वाला रहेगा क्योंकि डिमांड डिटोरेशन भी अब दिखने लग गया है, बट ये टेम्पररी रहेगा क्योंकि आगे जाके डिमांड जैसे जैसे इंप्रूव होगी क्रॉप्स यील्ड देखी जाएगी वो सारे फैक्टर है, तो टाइमिंग मुझे लगता है जो ऑलरेडी 49,500 लगभग दिखा चुका है वो हाई बन चुका है, यहाँ से मुझे लगता है प्राइसेस में गिरावट रहेगी, जो 43,000-44,000 तक का इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हैं क्योंकि जो स्टोरी थी क्रॉप डैमेज वो डिस्काउंट कर चुका है मार्केट, तो एक पुलबैक देखने मिल जाए। ओके, जतिन इस वक्त हमारे साथ है पंजाब से, एक और कॉलर, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जतिन जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि जीरे लॉन्ग टर्म का लेवल क्या होगा और सरसों के बारे में राय चाहिए। जीरा और सरसों पर स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं ये जतिन जी। अजय जी क्या स्ट्रैटेजी देंगे इन्हें सरसों और जीरे पर? देखिए जीरे के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप दिसंबर जनवरी तक का व्यू बनाइए, बिकॉज होगा क्या अभी मार्केट में जो तेजी आई हुई है सितंबर अक्टूबर 2 महीना मार्केट में वापस गिरावट आएगी क्योंकि स्विंग एरिया काफी हद तक अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस आराम से 27,000-28,000 तक का लेवल दिखा देगा क्योंकि इस बार बैलेंस शीट काफी टाइट है और नया प्रोडक्शन भी जो आएगा वो मार्च से पहले नहीं आएगा, ग्लोबल मार्केट में भी शॉर्टेज बनी हुई है। वहीं अगर मस्टर्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि स्विंग से पहले मार्केट पकड़ के रखेगा, मे बी हम 6,900-6,950 तक के लेवल देख रहे हैं बिकॉज एमएसपी में भी इस बार उम्मीद है कि अच्छा जैसे सोयाबीन में हमने 9% का एमएसपी में ग्रोथ दिखा था वैसे मस्टर्ड का भी सपोर्ट मिलेगा, बट दूसरी ओर अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पूरे में ही गिरावट चल रही है, तो आई थिंक इट्स मैटर ऑफ टाइम, मैंने 2 महीना प्राइजेस होल्ड कर सकता है मस्टर्ड का, बट अक्टूबर ऑनवर्ड जैसे जैसे स्विंग बढ़ते हुए दिखाई देगी हम एक अच्छा खासा करेक्शन मस्टर्ड में आते हुए देखेंगे, तो आई एम नॉट सो मच बुलिश फॉर मस्टर्ड, खाली स्विंग तक मार्केट पकड़ के रखेगा उसके बाद गिरावट मिल जाएगी, लेकिन जीरे में आई एम वेरी मच बुलिश, बट व्यू आप दिसंबर जनवरी का बनाइए क्योंकि अक्टूबर मंथ में सितंबर अक्टूबर में जब स्विंग का पीरियड होगी तो एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में देखने मिल जाएगा।
ओके, एक और कॉलर से बात करते हैं। सुरेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेश जी गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है। मैडम जी, ये सिल्वर फिजिकल लेना था मुझे, तो उसके अनुसार राय चाहिए था एक दो साल के लिए चांदी पर राय। जतिन जी, क्योंकि व्यू पॉइंट बड़ा है, एक दो साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक्युमुलेशन स्ट्रेटजी जो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहती है एक साथ ना लेते हुए। करंट मार्केट प्राइस के आसपास से जरूर डेफिनेटली फिजिकल में बाइंग कीजिए, 40-50% यहाँ पे अलोकेट कीजिए अगर जीरो अलोकेशन है तो, और जगह रखिए कि अराउंड अबाउट अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे बड़ा एक गिरावट आ जाता है जिससे प्राइसेस अराउंड अबाउट 52,000 से लेके 53,000 तक आ जाते हैं, तो वहाँ पर और ऐड करने की सलाह दूंगा मैं। हायर साइड पे 1-2 साल के व्यू पॉइंट के हिसाब से हैं, तो टारगेट्स भी बड़े रखें अराउंड अबाउट 66,000 से लेके 68,000 के व्यू पॉइंट से 1-1.5 साल के हिसाब से वहाँ तक के टारगेट्स मिनिमम रख के चले। हायर साइड मुझे लग रहा है 70,000 के लेवल्स जो है वो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में जरूर फिर से छूने जाएंगे सिल्वर की प्राइसेस जो है वो। सो डिप पे जब भी मिलता है तभी अक्यूमुलेशन बनाकर रखें। मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस जो है वो 49,000 के नीचे अगले एक साल में जाएंगे, तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं, एक्युमुलेशन करें हायर लेवल्स पे 10% बिटवीन 5-10% जब भी रैली मिलती है प्राइस से वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे अजय जी और जतिन जी आप दोनों का हमारे साथ कमोडिटी लाइव कॉलर शो में शामिल होने के लिए।